नमस्ते सर, जगजीत में आपका स्वागत है। ये हमारा 30 नंबर सिटी मॉडल है, हम इसको कवर्ड भी बोलते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ हमारी ट्रांसपोर्ट पैकिंग कैसी होती है और हमारा निकालने का जो परसेंट कैसा होता है। ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी ट्रांसपोर्ट पैकिंग है, इसमें टूटने का चांस बहुत कम होता है और खोलने में भी ईजी है, कोई इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगती। ये देखिए, इसको एक बार फोटो दिखाइए। 30 नंबर सिटी है हमारी। आगे से ये हमारी इस तरीके की पैकिंग होती है, इसकी वायर होती है, ये इसका ऑन ऑफ का इधर ही ये बटन होता है। ये देखिए चाबी ना, ये पूरी बंद होती है। सुबह जब आप स्टार्ट करेंगे तो मौसमी डालने से पहले आपने 3 बार खोलना है, 1, 2 या 3। इसमें आपने गिनती की 2 मौसमी डालनी है, जब 2 का जूस निकल जाए फिर 3 और डिले करनी है। ये 4, 5, 6 पे करके जितनी मर्जी मौसमी डाले जाओ, निकाले जाओ पूरे दिन। अनार का निकालना हो तो 6 चूड़ी और डिले करनी है आपने, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अनार आप 12 चूड़ी पर निकाल सकते हैं वापसी, फिर जब मौसमी और पैन एप्पल निकालना हो तो वापसी आप 6 चूड़ी पर इसको ले आइए। ये इसकी ये जग प्लेट होती है, इसके ऊपर जग रखा जाता है, ये प्लेट यहाँ से निकल जाती है इस तरीके से, और ये प्लेट इस जगह पे ऐसे लग जाती है, बोल्ड है इसके नीचे, वो आप कस सकते हो उसको आराम से। ये हमारा 30 नंबर मॉडल होता है, बहुत बढ़िया लगता है, दुकान पे रखा हुआ खूबसूरत लगता है। इसमें बिल्कुल सफाई लगती है आपको, कस्टमर को गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं लगेगी। अब मैं आपको उसको धोने के बारे में समझाता हूँ। ये इसका स्मेट पार्ट होता है, ये छन्नी होती है साथ में, ये ब्रूस होता है, इसका मूसल होता है मोबी प्रेस करने के लिए। इसकी 5 मुखी है, एक किट बनाई हुई हमने, किट होती है पूरी, 5 चाबियों की 1 चाबी। ये इसका हैंडल होता है, अगर आपकी लाइट चली जाए तो आप इसको इस तरीके से बेल्ट उतार सकते हैं, यहाँ पे आप हैंडल लगा सकते हैं और इसको आप मैनुअल चला सकते हैं 2 घंटे 4 घंटे, जितने भी घंटे आपने चलानी है आप चला सकते हैं आराम से। इसको धोने के लिए आपने ये बोल्ट खोलना है, ये इस तरीके से बाहर आ जाता है। ये ना रूले के ऊपर प्लान हिस्सा होता है ये बोल्ट, इसके ऊपर ही आपने इस तरीके से चक्के को चलाना है। अगर आप इसको दाएं बाएं चलाएंगे चक्का फंस जाएगा, चक्का भी खराब हो सकता है और आपकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। ये देखिए आप, ये आगे के 2 बोल्ट होते हैं, इस तरीके से निकल जाता है, जाली इस तरीके से आ जाती है। या आपने ब्रुश मारना है, पानी मारना है, सफा करनी है इस तरीके से। इसको जमीन पे नहीं ठोकना, जमीन पे ठोकोगे सेटिंग बिगड़ जाएगी। ये इसकी SS की रॉड होती है, एक बूंद तेल इधर, एक बूंद तेल इधर, धोने के बाद आपके लगा के और ऐसे ही आपने फिट करना है इस तरीके से। ये अंदर आप ये ब्रुश मारो, पानी मारो, सफा हो जाएगा इस तरीके से, पूरा रास्ता इसको सफा करना और ऐसे ही आपने फिट करना है। ये हम आपको इस वजह से समझा रहे हैं कि जो नए हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं, वो हर किसी को डर लगा होता है यार सफाई कैसे होगी, जूस के काम में क्या क्या फंक्शन होता है, तो हम इस वजह से वीडियो बना के डालते हैं कि किसी नए बंदे को कोई परेशानी ना हो। उसको ऐसा ना लगे कि जूस की मशीन में क्या होता है, कैसे होता है,
इस वजह से हम सारे फंक्शन अपने कस्टमर को सारे समझाना चाहते हैं। बिल्कुल इजी मशीन है, कोई परेशानी नहीं है किसी तरीके की, किसी के भी मन में कोई भी डर हो कुछ भी नहीं है ऐसा। ये आपने लगा दिया, ये आपने बोल्ट वार्सल लगा दी, ये आपने नट कस दिया, ये आपने बेल्ट इस तरीके से चढ़ा दी। बेल्ट चढ़ाने का उतारने का बढ़िया फंक्शन है, देखिए बेल्ट ऐसे उतर जाती है आराम से, और ऐसे इसको आपने नीचे से ऐसे रखा और इसको आपने ऐसे करा और ये इसको ऐसे करा और ये चढ़ गई, कोई भी परेशानी नहीं होती किसी भी तरीके की। थैंक यू सर।